अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बना रही थी मसाले वाली बिरयानी, जो तय लगा के बनाऊंगी। तो मैं आज आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 4 प्याज ली है मैंने, और आधा किलो चावल जितना मैं बना रही हूँ आज बिरयानी। आधा किलो चावल है और 250 ग्राम या 300 ग्राम जितना मेरा चिकन होगा। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 2 जन के हिसाब से बना रही हूँ आज इस वजह से। तो पहले प्याज को मैं फ्राई करने के लिए प्याज को काट रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही ज़्यादा मोटा नहीं रखना है प्याज को, बारीक प्याज को ही काटना है आपको। और अब मैं टमाटर काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए, छोटे टमाटर हैं। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो सिर्फ 3 ही लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए टमाटर। आपके ऊपर है, जितना आप प्रेफर या मसाला बनाना चाहते हो उतने ही आपको प्याज और टमाटर रखना है। तो मैंने अपने हिसाब से प्याज और टमाटर अपने हिसाब से रखा है, आधा किलो चावल में, और 5 से 6 हरी मिर्चें भी थी इसमें। तो टमाटरों को आपको रफली ही चॉप करना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए आपको, ताकि ऐसी वीडियोस देखने मिले इंशाल्लाह रमज़ान में। क्योंकि मैं ज़्यादातर कुकिंग वीडियोस ही बना रही हूँ, मैं एक्चुअली व्लॉग्स और मेकअप बनाती हूँ और कुकिंग भी बनाती हूँ। तो आप लोग को पता है, जैसे कि जो मेरे साथ पिछले बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं हर वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग्स मेकअप सब कुछ। लेकिन रमज़ान की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, इसके वजह से कुकिंग की आपको ज़्यादा मिलेगी। सो गाइज, आते हैं अपने अब भगाड़ने में। तो से यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के, 3 चम्मच ही समझिए आप, घी ले रही हूँ। घी आप ऑप्शनल है, आप ले सकते हो, वरना तेल से भी बना सकते हो। घी से बहुत सोंदा फ्लेवर आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं सारे गरम मसाले जो मैंने मिक्स करके रखे थे वो डाल दूँगी। हिसाब तो नहीं पता, लेकिन आपको भी पता है गरम मसालों में क्या क्या पड़ता है। लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, ये सब डाला हुआ था मैंने। और जो प्याज काटी हुई थी वो प्याज भी डाल दी है। छोटी प्याज थी तो इसलिए मैंने 4 ली है। अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो आप सिर्फ 2 लीजिए। और टमाटर भी मैंने छोटे लिए हैं इसलिए 5 लिए हैं, वरना आप सिर्फ 3 डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तेल भी डालूँगी थोड़ा, क्योंकि घी से सफिशेंट नहीं होगा। तो जितना मैंने घी डाला है उतना ही तेल भी डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 से 6 चम्मच आप घी और तेल दोनों एक साथ समझ सकते हैं। इसको फ्राई करना है होगा घी और तेल मिला के। तो अब यहाँ पे जो टमाटर मैंने अलग से काट के रखा था उसमें मैं 2 भर के चम्मच, जो चाय का चम्मच आता है वो भर के, मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। चम्मच आप देख सकते हो जो डब्बे में आते हैं वही चम्मच है ये। और आधा टीस्पून के करीब मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हो। और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ले रही हूँ। जो मैं बिरयानी मसाला बता रही हूँ वो ब्रांड्स में भी मिलता है और लोकली भी मिलता है, तो मैंने लोकल वाला यूज़ किया जो कानपुर में मिलता है। और 1 छोटी चम्मच भर के हल्दी डाली है, हल्दी भी डलती है बिरयानी में मुंबई की। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मिर्च भी अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि हम हरी मिर्च भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और नमक अपने हिसाब से रखिए। तो अब हमारी प्याज भी हो चुकी है। अब मैं डालूंगी चिकन जो मैंने लिया है, 250 से 300 ग्राम जितना चिकन है। क्योंकि मैं 2 जन की बना रही हूँ बिरयानी तो उस हिसाब से बहुत ही परफेक्ट चिकन है। क्योंकि मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं फ्राई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना, तो इस वजह से इसमें बच भी जाती है चिकन बिरयानी में। तो आप यहाँ पर देखो, आपको बहुत अच्छे से भूनना है। और चिकन कभी भी आप बनाते हो तो पहले उसको तेल में या प्याज में तल लो अच्छे से, फिर बाद में सारे मसाले डालो। तो 5 मिनट के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आलू जो लिए थे, अगर आप आलू खाते हो अपने बिरयानी में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी प्रेफर करती हूँ अपने बिरयानी में आलू। मैं आलू के बिना मुंबई की बिरयानी नहीं खा सकती। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे आलू को 2 स्लिट करके, उसको छील के 2 कट करके डाल दिया है। जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे, अब बहुत ही झटपट बन जाएगी, बहुत ही इजी बिरयानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे मसाले लिए थे 1 डब्बे में मैंने आपको बताए थे, तो वो डाल दिए। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस बिरयानी में आपको मसाले में पानी नहीं डालना है, आपको पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसने पानी छोड़ दिया है। टमाटर, प्याज सब ने पानी छोड़ा है, चिकन ने।
आलू अगर आप पहले डाल देते हो ना तो बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, उसमें कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। तो आपको चिकन के साथ ही आपको आलू डाल देना है। यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था। आप हमेशा कभी भी बनाते हो तो चेक कर लो, नमक एकदम प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो फीकी हो जाएगी फिर अच्छी नहीं लगती है, और आप बाद में भी ऐड नहीं कर सकते हो इसको। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चेक करके जितना मुझे लगा उतना मैंने नमक डाल दिया। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे रखा हुआ है अभी मैं, क्योंकि इसको भून के मैं इसमें ही बाद में चावल अलग से उबाल के डालेंगे। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे है और मसाला ऑलमोस्ट भुनने में आया हमारा। तो यहाँ पे मैंने ड्राई करके मैं पुदीना रखती हूँ। आपने मेरे रमज़ान प्रिपरेशन में देखा होगा कि मैं पुदीना सुखा के रखती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक मुट्ठी के करीब होगा पुदीना तो मैंने वो डाल दिया है काट के इसमें। आप देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब जो दही है तो दही मैंने डाली नहीं है। दही मैं क्या करती हूँ, लास्ट के जब 5-10 मिनट बचते हैं जब मसाला होने में आता है तब मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी और घी जो भी डाला था वो सब ऊपर आ चुका है। तो यहाँ मैं 3 चम्मच बड़े चम्मच भर के यहाँ पर मैं डालूँगी दही। तो यहाँ पे दही भी आपको मिक्स करनी है। दही उस टाइम मैंने डाला नहीं था क्योंकि फट जाती, आप अगर चाहो तो डाल सकते हो लेकिन मैं मसाला भूनने के बाद प्रेफर करती हूँ दही डालना, चाहे वो सालन हो चाहे बिरयानी हो चाहे कुछ हो। और यहाँ पे मैंने आपको एक नींबू भी बताया था पहले, तो एक नींबू भी स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। सो गाइज़ ये मेरे मम्मी की रेसिपी है, अगर आपको ऐसी ही रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है आखिरी तक देखिएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और यहाँ पे हरा धनिया भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मसाला हो चुका था, थोड़ा मुझे इसको सुखाना था, इतना मुझे वाटरी नहीं चाहिए मेरा मसाला, तो इसलिए मैंने थोड़ा फ्लेम को हाई कर दिया है। यहाँ पर हो गया है मेरा मसाला, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने इसको सुखाने के लिए हाई करा हुआ है। तो दूसरे तरफ मैंने चढ़ाया हुआ है चावल के लिए पानी। देखिए मसाला हो चुका है, जो चावल है ये देखिए आधा किलो। यहाँ पे मैंने सेला चावल लिया है, बासमती चावल अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरे के साथ साथ मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी 2 चम्मच भर के। तो मेरा हिसाब है कि आधा किलो चावल है तो मैं 2 चम्मच भर के इसमें तेल नमक डालूंगी, सॉरी, क्योंकि जब हम उबालते हैं तो चावल हमें फीके नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी चावल मेरा हुआ नहीं था, अभी कसर थोड़ी रह गई थी चावल में, तो चावल मैंने डाल दिया था। एक्चुअली वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ उस टाइम क्योंकि थोड़ा नहीं हो पाता है उस टाइम जब आप चावल डालते हो। तो यहाँ पर रायते के लिए आप देखिए दही ली है, दही में मैंने प्याज टमाटर ककड़ी डाली है, चाट मसाला मिर्च नमक सबको आपको मिला देना है। तो इसके साथ ही बिरयानी अच्छी लगती है। तो जब ये स्टेज आ जाएगा आपके चावलों पे तो आपको छान लेना है चावल, और पहला जो परत है वो आपको चावल के ही बिछाना है नीचे। और देखिए मसाला भी हो चुका है, ज़्यादा आपको गीला नहीं रखना है मसाला। तो पहले परत आप, मैंने छान लिया था, छानते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है भगोना और मैं उस टाइम वीडियो नहीं निकाल पाई। और यहाँ पे आपको पहली परत आपने बिछाई चावलों की, फिर उस पर बिछाना है आपको आपका जो मसाला आपने बनाया है उसको। तो धनिया और पुदीना मैंने उसी में ऐड कर दिया था तो मुझे अलग से ऐड करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बरिस्ता अलग से बना के रखा है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के घी डाला है मैंने तवे में। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा बैच है वो डाल रही हूँ मैं, और इसको आपको पूरा प्रोसेस होता है ये तय लगाने का, तय मतलब जो परतें होती परत वाली बिरयानी कहते हैं इसको, ये मुंबई वाली बिरयानी। अगर आपको परत नहीं लगानी तो आप नीचे जिसमें आपने मसाला बनाया बस उसमें बस आपको अलग से चावल उबाल के बस उसमें ऊपर बिछा देना है, सिंपल। ये परत वाली बिरयानी है, इसको अलग परतों में बनाते हैं तो महबूब को ऐसे पसंद आती है, इस वजह से मुझे ये वाली बनानी पड़ती है, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी लगती है, टेस्ट वही आता है। तो देखिए जो लास्ट वाला था जो मसाला, तो वो थोड़ा सा रह गया था, मुझे वेस्ट नहीं करना था क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने उसमें 1 चम्मच चावल डाल के उसको पूरा चला लिया था। और चावल देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, तो
मैंने उसमें से भी चावल, आपको कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, देखिए चावल उसमें से भी पूरा पोंछ लिया है। अब मैं इसमें दम लगाऊंगी। अगर आपने बरिस्ता करा हुआ है तो बरिस्ता ऊपर से डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत सिंपल और एकदम इजी वाली बिरयानी बता रही हूँ आपको। सिर्फ नीचे मसाला, ऊपर चावल आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं कलर डालने के लिए यहाँ पे केवड़ा ले रही हूँ, दो ढक्कन और थोड़ा सा 2 पिंच जितना कलर डालूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर डाला और केवड़ा डाल के इसको मैं कलर उसमें डाल दूँगी। जब 15 मिनट के बाद इसको खोलूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ कैसी लगी मेरी वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस आगे भी ऐसी ही आएंगी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए और कमेंट करिए अगर आपको पसंद आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं स्किन केयर की लेकर आने वाली हूँ, जो रमज़ान में, और जो फेशियल हेयर रिमूवल की भी लेकर आऊँगी मैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए बिरयानी कितनी ही अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करिएगा इस रेसिपी को। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।